प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार न्यूज। मुमरा के अजब गजब ऑटो रिक्शा ड्राइवर का कारनामा। कहीं भी पैसेंजर को रिक्शे पर लटका लेते हैं और अपने साथ साथ सबकी जान मुसीबत में डालते हैं। वीडियो कल रात की है। रिक्शे के पीछे सवारी बैठी हुई है और उसके बाद भी ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने आगे की सीट पर 2 लोगों को बिठा रखा है। एक उम्रदराज व्यक्ति बैठा है और तस्वीर में देखेंगे छोटा लड़का आगे की तरफ लटक कर बैठा हुआ है और डर भी रहा है ये छोटा लड़का कि कहीं गिर ना जाए। और ऑटो रिक्शा ड्राइवर तेज़ी के साथ ऑटो रिक्शा चला रहा है जो मुमरा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। हालांकि ये छोटा बच्चा जो ऑटो रिक्शा में आगे की तरफ बैठा हुआ है और बिल्कुल किनारे से एकदम लटक रहा है, इसका जो परिवार है वो भी इसी ऑटो रिक्शे में पीछे की तरफ बैठा हुआ है, मगर उनको भी इतनी समझ नहीं आ रही है कि ये छोटा लड़का कहीं गिर ना जाए और पीछे से आने वाली गाड़ी के किसी चपेट में ना आ जाए। हालांकि जब इस ऑटो रिक्शा को रुकवाया गया और उसके बाद ये छोटा लड़का जो आगे की तरफ बैठकर लटक रहा था, कभी भी गिर सकता था, कुछ भी अनहोनी हो सकता था, इसका परिवार जो पीछे बैठा हुआ था, ऑटो रिक्शा जब रुकाया गया फिर उस लड़के को किसी तरह से, हालांकि पीछे भी जगह नहीं थी, उसमें भी बच्चे बैठे थे, फिर किसी तरह से उसमें इस बच्चे को बिठाया गया। मुमरा के ऐसे कई ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं जो चंद किराया के लिए जो है इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि इससे हादसा हो सकता है, जान जा सकती है। और जो ऑटो रिक्शा पैसेंजर बैठते हैं ऑटो रिक्शा में, उनको भी ऐसी चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसे लटक कर ना बैठे जिसकी वजह से किसी भी तरह की अनहोनी हो। बराबर पे चल, भाई कैसे बैठा है, इसको गिरेगा, ये देख हालत देख ना, हाँ उसको पीछे ले, रोक 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 ना यार, पीछे ले ना उसको, पीछे ले, इतने लोगों को बिठा के लेके जा रहा है तू, हाँ किस हालत में बैठा हो देख, कुछ साइड से लो ना उधर से, ये गिर गया किसी दूसरी गाड़ी के चपेट में आएगा क्या करेगा, ब्रेकर आ रहा है बड़ा बड़ा है? मतलब उसकी जान 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 नहीं है क्या?